हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं AY एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं जो 10th क्लास की जनरल इंग्लिश है उसका सेकंड लेसन। और यहां पर हम इस लेसन का को डिस्क्राइब करेंगे हम हिंदी में। तो यहां पर आप देखेंगे पावर में से होता है शक्ति और डिटर्मिनेशन में से होता है दृढ़ संकल्प। तो इसका जो भावार्थ हुआ वो हो गया संकल्प की शक्ति या दृढ़ संकल्प की शक्ति। आगे यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो कहानी है, जो स्टोरी है इस लेसन में और जो हमें सीखने को मिलता है उसके बारे में हम यहाँ पर आपको पूरा इसका जो लेसन है उसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं। ये जो शुरुआत होती है, द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वाज हीटेड बाई एन ओल्ड फैशन पॉट बेली कोल स्टोव। एक देहात में, एक छोटे से गांव में एक स्कूल था, वाज हीटेड बाई एन ओल्ड फैशन, जिसे खासकर सर्दियों के टाइम पर एक पुराने रीति रिवाज के तरीके से उसको गर्म रखा जाता था। और ख़ासकर जो गर्म करने का जो साधन था वो पोर्ट वैलिड कोल स्टोव था। एक ऐसा स्टोव जो घड़े के आकार था, उसमें कोयला भर दिया जाता था और जिसके माध्यम से उस जो स्कूल है या खासकर उस क्लास को जिसमें बच्चे बैठते थे उसको गर्म करने का प्रयास किया जाता था ताकि ज़्यादा ठंड न लगे। ए लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली। और यह जो काम था वो एक छोटे से बच्चे को दिया गया था। ए लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली। और वह छोटा बच्चा जो यह काम करता था वो पर डे स्कूल सबसे जल्दी आता था, ईच डे टू स्टार्ट द फायर, ताकि वह आग को जला सके। एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर्स एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें कि जो टीचर और उसके जो क्लासमेट्स में होता है सहपाठी जो साथ में पढ़ते हैं, उसको ये काम दिया गया था कि उसे टीचर और उसके जो सहपाठी हैं उनके स्कूल आने से पहले उस रूम को क्या कर देना है कि गर्म कर देना है। यहाँ पर देखते हैं कि वार्म मीन्स होता है गर्म करना। और इस पैरा के जो मीनिंग्स है वो हम शुरू से बता देते हैं। स्कूल हाउस मीन्स होता है जो स्कूल का जो घर है या स्कूल का जो रूम है जिसे हम क्लास कह सकते हैं। हीटेड मीन्स होता है गर्म करना, और हीटेड हो जाएगा तो गर्म किया, और हीट मीन्स होता है गर्म करना। और ओल्ड फैशन का मतलब होता है पुरानी रीति रिवाज से, जैसे आप देखते हैं कि ये जो कपड़े हैं ये ओल्ड फैशन के हैं यानी पुराने रीति के हैं। पोर्ट वैलिड, पोर्ट मीन्स होता है घड़ा और वैलिड जिसका पेट घड़े के समान हो, और कोल माने होता है कोयला, स्टोव मीन्स आप देखते हैं कि ऐसा स्टोव जिसको हम जलाते हैं जैसे चूल्हा भी कह सकते हैं। आगे यहाँ पर आप देखें कि लिटिल बॉय माने होता है छोटा बालक, छोटा बच्चा, जॉब माने काम, कमिंग माने आना, और अली माने जल्दी, ईच डे माने प्रत्येक दिन, स्टार्ट माने शुरू करना, फायर माने आग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रूम माने रूम होता है, बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट अराइव्ड, यानी कि इस टीचर और सहपाठियों के आने से पहले उसको रूम को गर्म करना होता था। यह जॉब, यह काम उस बच्चे को दिया गया था। वन मॉर्निंग दे अराइव्ड टू फाइंड द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। एक सुबह दे अराइव्ड, जब वे सभी बच्चे और टीचर्स आए, टू फाइंड द स्कूल हाउस, तब उन्होंने पाया कि स्कूल का जो कमरा है, जो क्लास है, इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, आग की लपटों से घिरी हुई है, घिरा हुआ है वो रूम जिसमें उन्हें बैठना होता था। ये सभी उनके सहपाठी और जब टीचर आए तो उन्होंने देखा। यहाँ पर देखें इनगल्फ मीन्स होता है घिरा होना, और फ्लेम मीन्स होता है आग की लपटें, अराइव्ड मीन्स होता है आना, और फाइंड माने होता है पाना। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, दे अराइव्ड टू फाइंड द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन फ्लेम इन फ्लेम्स। वे जब आए, वे का मतलब यहाँ पर है टीचर और उनके जो सहपाठी थे, साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे, जब वो आए तो उन्होंने देखा कि जो हमारा जो स्कूल हाउस है वो आग की लपटों से घिरा हुआ है। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव। दे ड्रैग मीन्स होता है खींचना, द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव। यहाँ पर देखें जो मोर डीड देन अलाइव का मतलब होता है वो होता है अधमरा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्रैग माने खींचना, अनकॉन्शियस मीन्स होता है अचेतन, अचेतन की अवस्था में या बेहोशी की अवस्था में,
और फ्लेमिंग मीन्स होता है लपटों से बिल्डिंग, माने ऐसी बिल्डिंग जो आग के लपटों से घिरी होती है। तो इसका जो भाव अर्थ होगा, दे ड्रैग्ड, उन्होंने द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय, उस छोटे से बच्चे को घसीटा जो बेहोश था, आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग, उस जलती हुई बिल्डिंग से बाहर, मोर डेड देन अलाइव, जो अधमरा था। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, वह उसका आधा शरीर, खासकर जो कमर के जो नीचे का हिस्सा होता है, वो बहुत बुरी तरह से जल गया था। एंड वॉज टेकन टू द नियर बाई काउंटी हॉस्पिटल, और जो पास में जो गांव का ही हॉस्पिटल था, अस्पताल था, उसमें वहां पर ले जाया गया। नियर बाई होता है पास में, और काउंटी मीन्स होता है देहात, और हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल। तो यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि लगभग आपको सभी मीनिंग ये आते होंगे। मेजर माने होता है मुख्य रूप से, बर्न्स माने होता है जल जाना, और ओवर लोअर मीन्स होता है नीचे का हिस्सा। आप देखते हैं जो पैंट पहनते हैं उसको आप लोअर बोलते हैं। हाफ ऑफ हिज बॉडी, यानी कि बॉडी का आधा निचला हिस्सा, पूरी तरह से वो जल गया था। पैराग्राफ देखें, फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्न्ड सेमी कॉन्शस लिटिल बॉय फेंटली हर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर। फ्रॉम हिज बेड, उसने बिस्तर से ही, ड्रेडफुली बर्न्ड, वो बालक जो बहुत बुरी तरह से जला हुआ था, उसने अपने बिस्तर से ही सेमी कॉन्शस लिटिल बॉय, जो अचेतन की अवस्था में था, अर्धचेतन की अवस्था में था। अर्धचेतन का मतलब ये होता है आधा बेहोशी की हालत में होना और आधा सचेत होना। आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, आँख नहीं खोल पाते, हाथ नहीं उठा पाते हैं, लेकिन आँख बंद किए होंगे, लेकिन उन्हें यह आभास होता है कि कोई व्यक्ति सामने बात कर रहा है, और क्या बात कर रहा है वो उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा लेटा हुआ था अपने बेड से, और फेंटली हर्ड, और बड़े ही धीरे धीरे, खासकर फेंटली का मतलब होता है कि हम उसको ऐसे बोलें कि हल्का सा नशे में होना, ऐसा बोल सकते हैं। हर्ड माने सुना, द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, कि डॉक्टर उसकी माँ से बात कर रहा है, बात करते हुए उस बच्चे ने सुना कि डॉक्टर उसकी माँ से कुछ बात कर रहा है। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा, दैट माने कि हर सन वुड श्योरली डाई, कि उसका बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। विच वॉज फॉर द बेस्ट, और यही उसके लिए बेहतर होगा। रियली फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवास्टेटेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि वास्तव में बहुत ही भयंकर आग से, आग ने हैड डिवास्टेटेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर की कमर के नीचे के हिस्से को पूर्ण तह से तहस नहस कर दिया। डिवास्टेटेड मीन्स होता है तहस नहस कर देना, पूर्णतः मिटा देना, या पूर्णतः नष्ट कर देना। टेरिबल मीन्स होता है भयानक रूप, भयानक, और फायर माने आग, भयानक आग ने हैड डिवास्टेटेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसके कमर के नीचे का आधे बॉडी को पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, चला दिया है। आगे यहाँ पर देखें, बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, लेकिन वह बहादुर बच्चा जो जल गया था, डिडंट वांट टू डाई, वह मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने जो मन को संभाला, उसने अपने चित्त को संभाला, माइंड यानी कि उसने अपना दिमाग बनाया, दैट यानी कि ही वुड सर्वाइव। सर्वाइव मीन्स होता है जीने का प्रयास करना, ही वुड सर्वाइव या जीना। उसने अपना दिमाग बनाया, चित्त संभाला, दैट ही वुड सर्वाइव, कि वह जीवित रहेगा समहाउ, किसी भी तरह से। टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, कुछ चिकित्सक के अमेजमेंट का मतलब होता है चमत्कार से, ही डिड सर्वाइव, वह जीवित हो गया। व्हेन द मॉर्टल डेंजर वाज पास्ट, जब मृत्यु का खतरा टल गया, मॉर्टल मीन्स होता है मृत्यु, और डेंजर माने खतरा, तो जब मृत्यु का जो खतरा था वो टल गया, ही अगेन हर्ड, तब उस बच्चे ने पुनः सुना द डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग क्विटली, कि डॉक्टर और उसकी माँ धीरे धीरे कुछ बात कर रहे हैं। द मदर वॉज टोल्ड दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, कि आग ने उसके कमर के नीचे के
का जो मांस है उसे पूर्णतः नष्ट कर दिया है, पूर्णतः जला दिया है। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डाइड, बेहतर होगा यदि वह मर जाए। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी ए लाइफ टाइम क्रिपल, क्योंकि ही वॉज डूम्ड टू बी ए लाइफ टाइम क्रिपल। डूम्ड मीन्स होता है अपराधी होना या किसी चीज़ की सजा दे देना, लाइफ टाइम क्रिपल, क्योंकि उसे विथ नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, उसे जिंदगी भर के लिए क्रिपल अपंग रह के गुजारना पड़ेगा। अपंग होने की सजा मिल गई है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि डूम्ड मीन्स होता है सजा मिल जाना। विथ नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, उन्होंने कहा कि उसके जो नीचे की जो टांगें हैं उनका वो कभी भी उपयोग नहीं कर पाएगा। आगे यहाँ पर देखें, वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, एक बार पुनः उस बच्चे ने अपना दिमाग बनाया। ही वुड नॉट बी क्रिपल, कि वह अपंग नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वह चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे के हिस्से से, ही हैड नो मोटर एबिलिटी, उसमें किसी तरह की चाल नहीं थी, किसी तरह का उसमें गति नहीं हो रही थी। हिज थिन लेग्स जस्ट डेंगल्ड देयर, उसकी जो टांगे हैं वो नीचे की तरफ केवल और केवल लटक रही थी। ऑल बट लाइफलेस, लेकिन पूर्णतः वो जीवनहीन थी, उनमें किसी तरह का जीवन नहीं था, या यूं कह सकेंगे उनमें किसी तरह की जान नहीं थी। अगला जो पैराग्राफ है उसमें आप देखेंगे अल्टीमेटली, अंततः। अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः। ही वॉज रियलाइज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, तो उसकी माँ प्रत्येक दिन उसके छोटे और जो लेग्स हैं, टांगे हैं, उन पर मसाज करती। बट देर वॉज नो फीलिंग, लेकिन उनमें किसी तरह का कोई एहसास, नो कंट्रोल, ना कोई नियंत्रण था, कुछ भी नहीं था। येट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, लेकिन इसके बावजूद भी उसका जो दृढ़ संकल्प था कि ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, कि वो पहले की तरह चल के दिखाएगा, वो पहले की तरह हर हाल में चलेगा। आगे यहाँ पर देखें, वेन ही वॉजंट इन बेड, जब वह बिस्तर में नहीं होता, ही वॉज कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर, तो उसे व्हील चेयर में होना पड़ता था। कन्फाइंड का मतलब होता है निश्चित रूप से, तो यहाँ पर देखें कि यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जब वो बेड में नहीं होता था तो उसके पास में केवल एक ही चारा होता था कि या फिर वो व्हील चेयर में होगा, क्योंकि और वो कुछ नहीं कर सकता था। आगे यहाँ पर देखें, वन सनी डे, एक दिन, धूपदार दिन में, ऐसा कह सकते हैं सनी डे, हिज मदर व्हील्ड हिम आउट इन टू द यार्ड टू गेट सम फ्रेश एयर, एक दिन उसकी माँ उसकी जो व्हील चेयर थी उसको लेकर बाहर आंगन में ले गई ताकि उसे कुछ बाहर की फ्रेश हवा मिल सके। दिस डे, इस दिन, इंस्टीड ऑफ सिटिंग देयर, उसने वहाँ पर बैठने की अपेक्षा, हिमसेल्फ माने खुद को, फ्रॉम द चेयर, चेयर मीन्स होता है कुर्सी, उसने अपने आप को चेयर से गिरा लिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, और उसने अपने आप को खींचा ग्रास से बाहर निकालने के लिए, घास के से पार करने के लिए। ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, और उसकी जो टांगें थीं उसने अपनी टांगों को अपने हाथों से पीछे से हाथों को उठा के लेग्स को उठा के अपनी टांगों को उठा के आगे खींचा। ही वर्कड हिज वे टू द वाइट पिकेट फेंस बॉर्डरिंग देयर लॉट, ही वर्कड हिज वे, उसने यह काम किया, और टू द वाइट पिकेट फेंस, और जो बाढ़ लगी हुई थी बॉर्डरिंग देयर लॉट, वो उसके घर के पास तक जाती थी। विथ ग्रेट एफर्ट, बड़े प्रयास से, ग्रेट माने होता महान और एफर्ट माने होता है प्रयास, ही राइज हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, उसने अपने आप को फेंस के सहारे खड़ा कर लिया, यानी बाढ़ के जो तार की बाढ़ लगी थी
जिसे हम बारी भी कह देते हैं, उसको पकड़ के वो खड़ा हो गया। देन स्टेक बाय स्टेक, लेकिन धीरे धीरे ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, उसने खुद को घसीटना शुरू कर दिया। ये फ्रेंड्स इस तरह से आप देखते हैं कि ये जो एक पेज है वो हो चुका है। इसके अगले पेज में हम चलते हैं। ये फ्रेंड्स आप देखेंगे अलोंग द फेंस, उसने फेंस के सहारे अपने आप को खींचा। रिसॉल्व दैट ही वुड वॉक, उसका ये पूर्णतः दृढ़ विश्वास था कि वह एक दिन चलेगा। रिसॉल्व मीन्स उसकी ये, उसने ये सोच के हमेशा रखा हुआ था। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे, उसने प्रतिदिन ऐसा करना शुरू कर दिया। अनटिल ही वॉर ए स्मूथ पाथ ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस, ये वह तब तक करता रहा जब तक कि, अनटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं। ही वॉर ए स्मूथ पाथ ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस, तो फेंस के बगल में जब तक कि एक अच्छा सा रास्ता नहीं बन गया। आप देखते हैं कि अगर कहीं पर घास लगी हो और उस घास के ऊपर आप एक ही जगह से लगातार रोज़ रोज़ चलें तो वहाँ की घास हट जाती है और एक बढ़िया रास्ता बन जाता है, स्मूथ पाथ पगडंडी की तरह का। तो जब तक कि वैसा रास्ता नहीं बन गया, वो ऐसा ही करता रहा रोज़ का रोज़, उसको फेंस को पकड़ता और उसी के सहारे चलता। देयर वॉज नथिंग ही वॉन्टेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लैक्स, क्योंकि अब उसके देयर वॉज नथिंग, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वॉन्टेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लैग्स, इसी के सहारे अपनी टांगों को वो संवार सकता था, उनका विकास कर सकता था। अल्टीमेटली अंततः थ्रू हिज डेली मसाजेज, प्रतिदिन की मालिश के बावजूद हिज आयरन परसिस्टेंस, और उसके पूर्णतः एक लोहे के समान उसका जो संकल्प था, एंड हिज रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, और उसका जो दृढ़ विश्वास था, अटल दृढ़ विश्वास या अटल संकल्प, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, उसने उसके अंदर खड़े होने की क्षमता को विकसित कर दिया था। डेवलप माने विकसित करना, एबिलिटी माने योग्यता, और स्टैंड अप माने खड़ा होने की जो क्षमता थी उसका विकास कर दिया था, या खड़े होने के लायक वो हो गया था। देन टू वॉक हाल्टिंगली, धीरे धीरे वो लड़खड़ा कर चलने भी लगा। हाल्टिंगली का मतलब होता है झटके के साथ में चलना, लड़खड़ा के चलना। देन टू वॉक बाई हिमसेल्फ, धीरे धीरे वह अच्छी तरह से चलने लगा। एंड देन टू रन, और धीरे धीरे वह दौड़ने भी लगा बाद में। अगला पैराग्राफ देखिए, ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, उसने स्कूल के लिए चलना प्रारंभ कर दिया। देन टू रन टू स्कूल, इसके पश्चात वो स्कूल तक दौड़ने भी लगा। टू रन फॉर द शेयर जॉय ऑफ रनिंग, टू रन फॉर द शेयर जॉय ऑफ रनिंग, वह आनंद लेने के लिए भी दौड़ता था। लेटर इन कॉलेज, लेकिन बाद में ही मेड द ट्रैक टीम, उसने धावकों की एक टीम बनाई। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, तब तक बाद में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दिस यंग मैन, यह युवा इंसान, who was not expected to survive, जिसकी कोई आशा नहीं थी कि यह जीवित रहेगा। who would surely never walk, जिसका पूर्णतः निश्चित था कि यह कभी नहीं चल सकेगा। who could never hope to run, जिसकी कोई आशा नहीं थी कि यह कभी दौड़ेगा। this determined young man, यह दृढ़ संकल्पी यंग मैन, युवा बालक या युवा इंसान, डॉक्टर ग्लेन कनिंगहम, रन द वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल, दुनिया का सबसे तेज धावक जो डॉक्टर ग्लेन कनिंगहम थे, उसके रूप में जाना गया। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये इसकी स्टोरी थी, और बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, और मेरा मानना है इसके जितने भी मीनिंग्स हैं आपको लगभग आ गए होंगे। और यदि आपको कोई मीनिंग नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। ये जो लिखा है वो लिखा है बुट दुबिन ने, और यहाँ पर आप देखें कि अबाउट द लेसन के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखें, हियर इज ए रियल स्टोरी ऑफ डॉक्टर ग्लेन कनिंगहम, यह डॉक्टर ग्लेन कनिंगहम की जो एक धावक थे। यहाँ पर ऊपर देखें माइल सबसे लास्ट में लिखा है, मीनिंग उसका मतलब होता है धावक, दौड़ने वाला। तो यह डॉक्टर ग्लेन कनिंगहम की एक वास्तविक कहानी है। ही बिकम सेवरली डिसेबल्ड इन ए फायर एक्सीडेंट इन हिज चाइल्डहुड, वह बचपन में आग के इस एक्सीडेंट से बहुत बुरी तरह से
डिसेबल्ड हो गए थे, अपंग हो गए थे। द लेसन हाइलाइट्स, यह जो लेसन है, जो अध्याय है, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, संकल्प की शक्ति को हाईलाइट करता है, प्रकाशित करता है। ही हैड, जो उसके पास में थी, एंड हाउ हिज पावर इनेबल्ड हिम टू स्ट्रगल अगेंस्ट द अगेंस्ट, और उसके पास में शक्ति कैसे आई कि वह इसके विरुद्ध संघर्ष कर सका, एंड ओवरकम द चैलेंजेज, और जो चुनौतियां थीं उस पर विजय प्राप्त कर सका। दैट स्टेयर्ड हिम इन द फेस अल्टीमेटली, और जिसने एक प्रतीक के रूप में सामने आया। ही बिकम द फास्टेस्ट माइल, और वह दुनिया का सबसे तेज धावक बना, रनर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल इसकी कहानी है, और ये पूरा लगभग आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।